नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां कल्याणपुर थाना अंतर्गत दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ को कल्याणपुर थाना के समीप आक्रोशित लोगों ने जाम कर दिया तथा स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोशित स्थानीय लोगों का कहना था कि बागमती नदी के कारण 0 माइल बांध का पानी उनके खेतों में आ गई है, जिससे खेत में लगा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पास का नहर भी किसी कारणवश जाम है, जिसके कारण खेती करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। इससे संबंधित स्थानीय लोगों ने संबंधित पदाधिकारी को आवेदन भी दिया था, फिर भी उनके बर्बाद हुए फसल वाले इलाके को सूखा घोषित कर दिया गया है। उन लोगों का कहना है कि जिस गांव के खेतों में कमर तक पानी लगा है, उस गांव को सूखा घोषित करना संबंधित पदाधिकारी के कर्तव्यहीनता का परिचायक है। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ को जाम किया है। जाम की सूचना मिलते ही जाम स्थल पर थाना अध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह तथा CO अभय दास पहुंचे तथा आक्रोशित लोगों को आश्वासन देकर जाम को समाप्त करवाया। अभी तक के लिए बस इतना ही, कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। हमरा आर का घर है एक मर्द पानी में डूब क्या देख लिया गो अखनी आ मिर्जापुर में जाए है CO वीडियो तो कहे सुखल है उधर गोर पकड़ है वह गोर पकड़ है यार अखनी आज क्यों आज रोड क्यों जाम किए हैं रोड जाम कर लिए छप्पर पर रौदा लगा है माटी खा कर नहीं जीते अन्न खा कर जीते तो कोई व्यवस्था हमारा सके अभी नहीं कोई सरकारी सुविधा मिली कि ये नहीं मिली खेत आर नहीं हमारा सके सुविधा तो माटी खा कर बाल बचा सरकार के तरफ से कुछ मिला है नहीं कुछ नहीं मिले कुछ नहीं आज तक सुनवाई नहीं है सरकार कुछ किया है इसीलिए कल्याणपुर गांव में पानी ढुका हुआ है चढ़ का पानी पास बाढ़ वाला और रबी राज फसल 2 साल नहीं होगा इसीलिए जाम किया गया है पुल खाली नहीं हो रहा है मछुआरे वाला जाम किया हुआ है इसीलिए हम सारे पब्लिक लोग मिल करके हम जाम किए हुए लोगों की मांग है कि यहां पर जो बाएं तरफ का पानी है दाहिने नहीं निकल रहा है उसमें जो क्या कहते नाला है उसमें जगह जगह पर लोगों के द्वारा जाल लगाकर और मछली पकड़ने की कार्रवाई की गई है जिससे पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। इसी में लोगों के द्वारा मांग पत्र दिया गया है कि इसको खुलवा दिया जाए। अभी आश्वासन दिया गया है कि हम लोग खुलवाते हैं स्थानीय थाना के साथ। अभी हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं जा रहे हैं। लोगों का द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जो प्रशासन इस पर काम नहीं कर रही है। आप फॉर्म देख रहे हैं कि जब हुआ हम पहुंच गया तो प्रशासन काम ये आरोप बेबुनियाद है।